हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूं फटे हुए दूध से पनीर भुर्जी और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, दूध हमने गर्म करने के लिए रखा था और दूध फट गया है। बहुत गर्मी है, फ्रिज में रखना भूल गई थी मैं, तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो इसको हम छान लेंगे। ये मैंने स्ट्रेनर रखा है और इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और इसे छान लेंगे। और इसका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, सारा पानी निकल चुका है। अब हम इसका बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, पनीर भुर्जी। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और यहाँ मैंने लिया है 2 प्याज बारीक कटा हुआ और 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये कुछ लहसुन की कलियाँ, इसे भी काट लिया है। और ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्ची और ये जीरा और हींग लिया हमने। अब कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम कर लिया हमने, अब हम डालेंगे इसमें तेल थोड़ा सा, में डालेंगे जीरा, और 1 पिंच हींग, बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और प्याज। और साथ ही हम इसमें अदरक भी ग्रेट किया हुआ डाल देंगे और फिर थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, प्याज को हमने हल्का भून लिया है। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्ची और इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम डाल देंगे टमाटर और साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक का पक। और ये देखिए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और ये 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा और भुनेंगे। मसाला हमारा भून के पक के एकदम रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लाती रहूँगी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी ये पनीर। पनीर को मैंने थोड़ा हाथों से मैश कर लिया है और इसे भी डाल देंगे हम। बस इसे थोड़ा मिलाएंगे और पनीर भुर्जी रेडी। बहुत ही टेस्टी फ्रेंड बना है। अगर आपके यहाँ भी कभी दूध फट जाए तो इस तरह से आप बना लीजिए, इसे फेंकिए नहीं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, इसे आप रोटी पराठा नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और अब हमारा पनीर भुर्जी रेडी है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे। वाह, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अक्सर गर्मी के दिनों में सभी के घरों में दूध अक्सर फट ही जाते हैं, तो आप उसे फेंके नहीं, तरह से बना लीजिए।